अभी तीसरा जो है, प्राणायाम के लिए कौन सी नाड़ी चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। आप किसी भी नाड़ी में प्राणायाम कर सकते हैं। अभी समझो हम प्राणायाम कर रहे हैं, नाड़ी शोधन कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, ऐसे जब प्राणायाम की स्टेज जो आती है ना, उसमें मैक्सिमली हम समझो 15 से 20 मिनट अगर आप करते कंटिन्यू 15 से 20 मिनट, उसके बाद में ऑटोमेटिकली आपकी सुषुम्ना ही आती है, क्योंकि आप दोनों में नाड़ियां कर रहे हैं ना। समझिए, मैं अनुलोम विलोम कर रहा हूँ, यहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ से छोड़ा है, यहाँ से ले रहा है, या भस्त्रिका कर रहा हूँ, जोर जोर से कर रहा हूँ भस्त्रिका। तो ये सब क्या है, आप कोई किसी भी नाड़ी से करो, नाड़ी में सुषुम्ना आने वाली, उसके बाद में रिलैक्सेशन करो। रिलैक्सेशन कोई भी ऐसे करने के बाद, रिलैक्सेशन करने के बाद में हमारी जो ऊर्जा होती है वो एक जगह पे जाती है, जहाँ कमी है वो जाकर वो रुक जाती है, यानी उधर से ब्लास्ट करते हैं, जगह जो इधर कमी है हमारे बॉडी के अंदर वो पूरी कर देती है। ऐसा आपको करना है बार 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 बार, बाद में होने के बाद में, रिलैक्सेशन होने के बाद में सब जन ध्यान में बैठो, ध्यान में वापस, जैसे मैंने कल बोला था, बाहर की आवाजों को पकड़कर आप अंदर जाओ, आपको एक गहरी ध्यान के ध्यान तक जाएगा, गहरी गहरी ध्यान तक आप पहुँचते, 5-10 मिनट आपको पता भी नहीं चलेगा हम कितनी देर तक ध्यान कर रहे हैं। इस तरह से आपको ये करना है।